टिप नंबर 6, हाउ कैन टेस्टोस्टेरोन बी इंक्रीज्ड। तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि वास्तव में कैसे टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बढ़ाया जा सकता है। तो मैं आपको रेफरेंस देना चाहूंगा एक साइंटिफिक स्टडी का। इस स्टडी ने यह ऑब्जर्व किया कि ओवरवेट लोगों का एक ग्रुप फैट लॉस करने के लिए डाइट पर चला गया, वहीं दूसरे लोगों के ग्रुप ने एक्सरसाइज की। जिन लोगों ने एक्सरसाइज की उन लोगों का वेट भी कम हुआ और टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी इंक्रीज हो गया, बट दूसरे लोग जिन्होंने फैट लॉस के लिए सिर्फ डाइटिंग की उनका वेट तो कम हुआ लेकिन उनका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है या तो बराबर रहा या थोड़ा कम हो गया। तो इसलिए जो वर्कआउट है वो सबसे ज्यादा मदद करता है आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने में। कोई भी एक्सरसाइज आप करें, साइंस ऐसा मानती है, जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसको इंक्रीज करने में आपको सपोर्ट मिलता है, बट जिस वर्कआउट से आपके पेल्विक एरिया मसल्स में ज्यादा गतिविधि होती है, जैसे स्क्वाट, डेडलिफ्ट्स, लंजेस, वेट लिफ्टिंग, लेग्स वर्कआउट, ये सबसे ज्यादा मदद करते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन मेल्स में इसी एरिया में स्थित टेस्टीज से होता है। टिप नंबर 5 पर आती है डाइट विद मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जहाँ तक डाइट का सवाल है, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपकी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स। आपको एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन चाहिए टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए, और चूंकि आपको एक्सरसाइज करनी है तो कार्बोहाइड्रेट्स महत्वपूर्ण हो जाता है। और जहाँ तक फैट्स का सवाल है, वो किसी भी हार्मोन को बनाने के लिए महत्वपूर्ण घटक है। तो हमें एक बैलेंस्ड डाइट चाहिए जिसमें एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट हो, एडिक्वेट फैट हो और एडिक्वेट मात्रा में प्रोटीन हो, ताकि टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग लेवल पर रहे। आपको अपना जो स्ट्रेस का लेवल है उसको डाउन करके रखने की जरूरत है। देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको स्ट्रेस होती है तो आपका कॉर्टिसोल का लेवल है वो बढ़ जाता है, और कॉर्टिसोल का लेवल है और जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। इन द सेंस, अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो कॉर्टिसोल का लेवल नीचे जाएगा, और कॉर्टिसोल ऊपर जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन नीचे आएगा। तो इसलिए आपको कॉर्टिसोल के लेवल को डाउन करने के लिए ऑल पॉसिबल मेजर्स अपनाने की जरूरत है। ये बात भी ध्यान देने वाली है, अगर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल ज्यादा है तो आपके स्ट्रेस का लेवल ज्यादा है, जिससे आपका जो फूड इंटेक है वो बढ़ जाएगा। आपका फूड इंटेक बढ़ेगा तो आपको फैट गेन होगा। आपका फैट गेन होगा तो हार्मफुल बॉडी फैट है वो आपकी बॉडी में कलेक्ट होगा, जिससे आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो डाउन होते जाएगा। तो कॉर्टिसोल को नीचे की तरफ करने के लिए आपको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइजेस एंड वास्तव में रेगुलर कॉर्टिसोल रिडक्शन मेजर्स, ये आपको सबसे ज्यादा मदद करते हैं। टिप नंबर 4, सन एक्सपोजर। विटामिन डी है उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स माना जाता है। एक साल ड्यूरेशन की एक स्टडी थी जिसमें कि पेशेंट को एक सर्टेन अमाउंट में विटामिन डी सप्लीमेंट पर डे दिया गया, और ऐसा पाया गया कि इनका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो 25% इंक्रीज हो गया। इसका मतलब अगर विटामिन डी को इंक्रीजिंग लेवल पर रखा जाए तो जो आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो भी इंक्रीजिंग लेवल पर रहता है। विटामिन डी एंड कैल्शियम दोनों आपकी न सिर्फ बोन्स हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है बट टेस्टोस्टेरोन के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लगता है आपकी जो डाइट है वो एडिक्वेट अमाउंट में आपको विटामिन्स प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है तो आपको सन एक्सपोजर तो चाहिए, बट उसके अलावा आपको विटामिन डी सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। टिप नंबर 3, ऑप्टिमल स्लीप। जहाँ तक स्लीप का सवाल है, साइंटिफिक स्टडीज ने ऐसा माना कि जब आप स्लीप लेते हैं तो डाइट और एक्सरसाइजेस के अलावा स्लीप बहुत ही जरूरी है, जो टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में आपको मदद करती है। ऑन एन एवरेज हर आदमी का स्लीप का जो रिक्वायरमेंट है उसमें फर्क है, और स्लीप टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक स्टडी ने पाया कि जिन लोगों की स्लीप कम थी, यानी उन लोगों ने लंबे समय तक केवल 5 घंटे की स्लीप ही पर नाइट ली, तो साइंटिफिक स्टडी ने ऐसा माना
कि इनका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो 15% डाउन हो गया, और जिन लोगों ने 5 घंटे से भी कम की स्लीप पर नाइट ली तो उनका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो 25% डाउन हो गया। तो ऑन एन एवरेज जो ऑप्टिमल स्लीप लेते हैं बिटवीन 7-10 आवर्स, तो उनका टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो एडिक्वेट रहता है। तो इसलिए स्लीप अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है आपके टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीजिंग लेवल पर रिटेन करने के लिए। टिप नंबर 2, व्हाट आर द नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स। जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स हैं, मैं चाहता हूं आप उन्हें समझें। हमारे देश में मिलती है अश्वगंधा, बहुत ही प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर में से एक हर्ब है जो आपके टेस्टोस्टेरोन को जबरदस्त तरीके से बूस्ट करती है बिना किसी मेजर साइड इफेक्ट के। एक स्टडी ने ऐसा माना कि अगर आप अश्वगंधा रेगुलर यूज करते हैं तो जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो 15% इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा आपका जो कोर्टिसोल का लेवल है उसको 25% नीचे कर देता है, और जब कोर्टिसोल का लेवल नीचे की तरफ होता है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑटोमेटिकली बूस्ट कर जाता है। तो अगर हम दोनों चीजों को ध्यान से देखें तो जो अश्वगंधा है वो आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के साथ साथ आपके स्ट्रेस को कम करने में भी मदद करती है, यानी अश्वगंधा स्ट्रेस को भी कम करती है और टेस्टोस्टेरोन को भी बढ़ाती है। साइंस ऐसा मानती है कि जिंजर, शिलाजीत, यह भी टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है उसमें हेल्प करती है। इसके अलावा हनी गोट वीड एक्सट्रैक्ट और टोंग कट अली को भी टेस्टोस्टेरोन के लिए उपयोग किया जाता है। टिप नंबर 1, डूज एंड डोंट्स टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन नेचुरली। अब जो हमारी ये डूज एंड डोंट्स टिप्स है वो इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है। डूज एंड डोंट्स फर्स्ट, आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है, चाहे फिर वो पढ़ाई का स्ट्रेस हो, ऑफिस का, या फिर किसी बात का इमोशनल स्ट्रेस। इसकी वजह से स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है लो टेस्टोस्टेरोन और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। आप जितने खुश रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, बिंदास रहेंगे, आपका टेस्टोस्टेरोन उतना ही बूस्ट होगा। इसलिए मेडिटेशन करो, थोड़ा नेचर को एंजॉय करो, थोड़ा वर्कआउट करो, स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। साइंस ऐसा मानती है हंसना हमारी खुशी आनंद के लिए सबसे अच्छी दवा है। यदि आपका मूड अच्छा है, खुशी का एहसास है, तो वास्तव में इससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है वो इंक्रीजिंग लेवल्स पर होता है। इसलिए हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। डूज एंड डोंट्स सेकेंड, अक्सर लोग जल्दी बॉडी बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉयडल इंजेक्शन लेने लगते हैं, मगर फ्रेंड्स इसके काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं। जब आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्ट करने लगते हैं तो आपकी बॉडी खुद से टेस्टोस्टेरोन को बनाना बंद कर देती है, जिसके चलते बॉडी का हार्मोनल बैलेंस खराब हो जाता है और वीक सेक्स पावर, सुस्ती, हेयर फॉल, ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। डूज एंड डोंट्स थर्ड, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें सिंथेटिक एस्ट्रोजन जैसे कंपाउंड्स होते हैं, तो जो भी सिंथेटिक एस्ट्रोजन कंपाउंड्स होंगे वो टेस्टोस्टेरोन के अपोजिट काम करेंगे। अगर इन चीजों को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो नीचे की तरफ रहेगा। जैसे कि ज्यादा एक्सपोजर है BPA और केमिकल्स जो प्लास्टिक की चीजें जैसे बॉटल्स और थैलियों में पाए जाते हैं। साइंस ऐसा मानती है अगर आप इन्हें ज्यादा उपयोग करते हैं तो आपका एस्ट्रोजन लाइक कंपाउंड्स का लेवल ऊपर की तरफ होता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन रहता है। तो इसलिए इन्हें अवॉइड करने की जरूरत है। डूज एंड डोंट्स फोर्थ, GMO यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड फूड्स। तो GMO फूड्स हैं, इनसे दूर रहें। GMO मतलब जिनकी DNA को चेंज किया जाता है फॉर मोर प्रोडक्शन। ऐसा देखा गया है कि GMO फूड्स मेल्स बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाते हैं और टेस्टोस्टेरोन को कम करते हैं, जिससे कि मेल्स बूब्स जैसे प्रॉब्लम्स का खतरा रहता है। कॉर्न, पपाया, सोयाबीन बीज, सेलमन फिश आदि कुछ ऐसे फूड्स हैं जो मोस्टली GMO होते हैं। डूज एंड डोंट्स फिफ्थ, अगर आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं और अल्कोहल जैसी चीज़ों को कम कर देते हैं तो भी आपका टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमाइज हो जाता है और आपको नींद बढ़िया आए, इसके लिए मेरा सजेशन यह है कि एक तो सोने का फिक्स टाइम रखें, दूसरा सोने से आधा घंटे पहले अपने मोबाइल को अपने आप से दूर रखें।
तो ये 6 नेचुरल वेज हैं जिससे वास्तव में आप अपने टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है उसको इंक्रीजिंग लेवल्स पर हमेशा मेंटेन कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड जो एक हेल्थी बॉडी है उसको मेंटेन करने में आप अपनी मदद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में भी आपको इस तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा जो आपके काफी काम आएगा। और अगर वीडियो में आपका कोई डाउट रह गया तो कमेंट कर दीजिए, हम आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।